हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी फिलहाल मैं हूँ पटना में। तो भाई साहब, आज का प्लान ये है कि आज जो है हम लोग जाने वाले हैं पटना का एक लौता रेल रेस्टोरेंट। इस रेल रेस्टोरेंट का नाम है डी आहार रेल गाड़ी रेस्टोरेंट। ये जो है ना बोरिंग रोड चौराहा पे है। पटना कई बार आना जाना रहा लेकिन कभी भी रेल रेस्टोरेंट में डिनर या लंच वगैरह ट्राई हमने नहीं किया। आज मौका मिला है तो चलिए चलते हैं और देखते हैं भाई साहब ये रेल रेस्टोरेंट का खाना कैसा है। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं बोरिंग रोड में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना हीरा पन्ना ज्वेलर्स, इसी के जस्ट ऊपर में है रेल रेस्टोरेंट। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो जैसे ही आप फोर्थ फ्लोर पे आइएगा, फोर्थ फ्लोर पे आते ही देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा टेरिस और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया, लाइट वगैरह लगा हुआ है और यहाँ भी बैठने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ पे आप बैठ के आराम से यहाँ भी आप खा सकते हैं, ओपन टेरिस है और भाई काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और रेल रेस्टोरेंट का एंट्री गेट ये रहा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। लगभग 30 मिनट घूमने के बाद तब जाकर टेबल खाली मिला है, बाहर में हम वेट कर रहे थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू में क्या क्या है इस रेस्टोरेंट में। ये है रेस्टोरेंट का नाम डी आहार रेलगाड़ी डाइनिंग, ठीक है। इसमें आपको इंडियन, चाइनीज, तंदूर, साउथ इंडियन ये सब आपको मिल जाएगा। देखिए वेज स्टार्टर में ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ये सूप का ऑप्शन है, नॉन वेज सूप का ऑप्शन है, नॉन वेज स्टार्टर ये देखिए, चाइनीज वेज स्टार्टर, चाइनीज नॉन वेज स्टार्टर, राइस आप देख सकते हैं, वेज नूडल राइस, नॉन वेज नूडल्स, चाइनीज वेज मेन कोर्स में आपको ये मिल जाएगा, चाइनीज नॉन वेज मेन कोर्स, रोटी दाल ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। वैसे भाई इस रेस्टोरेंट का ना इंटीरियर काफी अच्छा है आप देख सकते हैं। और एक चीज देखिए, जिस टेबल पे हम लोग बैठे हुए हैं ना ये लखनऊ है, तो एक तरह से टेबल को स्टेशन बनाया गया है, ये लखनऊ है। और इंटीरियर देखिए, पीछे वो किचन रहा। और ये देखिए इतना प्यारा सा घर लग रहा है, इसमें लाइट चल रहा है, यहाँ पर कुछ ट्री है, स्टोन है। और इसी बीच से इसी ट्रैक पे आएगा हम लोग का खाना। भाई अभी जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया है वेज मंचूरियन ग्रेवी और चिली पनीर ग्रेवी, साथ में दो दो जो है बटर नान रोटी और एक ग्रीन सलाद। तो देखते हैं कितना देर टाइम लगता है। वैसे अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो लगभग शायद 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा अपना डिनर। तो जैसे ही आता फिर मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट कैसा है इस रेस्टोरेंट का। एक टिप है, अगर आप इस रेस्टोरेंट में आते हैं तो भाई साहब पहले से कॉल करके मेरे समझ से आप बुक करवा लीजिएगा टेबल तो सही रहेगा, नहीं तो शायद आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे हम लोग को ना बोला गया कि 1 घंटा वेट करना पड़ेगा लेकिन 30 मिनट हम लोग बाहर में वेट किए। वैसे वेट करने के लिए जो जगह है ना बाहर में ओपन जो टेरिस है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे तरीके से सजाया गया है। वहाँ पर आप आराम से 1/2 घंटा 1 घंटा कैसे टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। वैसे हम चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट आए तुरंत मुझे डिनर सर्व कर दिया जाए या लंच सर्व कर दिया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा टेबल बुक करना होगा और फ़ोन से टेबल आप बुक कर सकते हैं। इसका एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये था वेज मंचूरियन और एक में है पनीर चिली ग्रेवी। चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे वेज मंचूरियन ग्रेवी। वेज मंचूरियन ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो सही लग रहा है। पनीर चिली ग्रेवी को ट्राई करते हैं। पनीर जो है ना वो काफी सॉफ्ट है। ग्रेवी भाई बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया है। और साथ ही
साथ ही हम लोगों ने ग्रीन सलाद मंगाया था, पता है कितने का? ये 80 रुपये का। ये रेस्टोरेंट थोड़ा कॉस्टली है लेकिन टेस्ट जो है ना, टेस्ट सही है। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग खाने को निपटाते हैं, फिर खाने के बाद मिलते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया। अभी हम लोगों ने यहाँ से ये मिनरल वाटर भी लिया, वैसे पानी आपको मिलता है, आरो वाटर मिलेगा, लेकिन पैक्ड वाटर जो पीने में मजा आया ना, वैसा ये नॉर्मल वाटर पीने में मजा आया। तो भाई हम लोग का डिनर हो चुका है, अभी डिनर करके भी जस्ट हम लोग अभी बाहर आए हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट हमने आपको टेबल पे बता दिया था कि क्वालिटी जो है ना भाई साहब, इस रेस्टोरेंट के खाने का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफी बढ़िया है। क्वालिटी क्वांटिटी से कम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जैसे कि आपने देखा कि एक प्लेट हमने मंगाया था वेज चिली मंचूरियन, साथ ही पनीर चिली ग्रेवी। तो भाई क्वांटिटी इतना था कि 3 लोग खा लिए, और दो दो जो है हम लोगों ने बटर नान रोटी मंगाया था, तो क्वांटिटी देखिए सही था, लेकिन प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा हाई था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया था कि प्लेट जो दिया गया था ना वो सलाद का, वो 80 का प्लेट था, उसमें ना क्वांटिटी थोड़ा सा कम मुझे लगा। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप आके नहीं खा सकते। टेस्ट में देखिए, टेस्ट काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ मिलेगा खाने का। जो भी चीज़ खाएगा ना, पनीर काफ़ी सॉफ्ट था, पनीर चिली जो हमने खाया भाई मज़ा ही आ गया। एक बार ध्यान रखिएगा, पेमेंट प्रोसेस जो है ना वो कैश और कार्ड है, ऑनलाइन आप पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। कार्ड है तो सही है, नहीं तो कैश लेके आइए और यहाँ पे आराम से लंच या डिनर एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी तरह नए नए जगह जाते रहें, खाते रहें, पीते रहें। बाय।